इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग बैक फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर बैक फॉर्म नहीं भरा जा रहा, इनवैलिड आ रहा है या डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप जो है गलत पोर्टल पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। CCSU वेब वाले पोर्टल पर आप जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। CCSU वेब वाले पोर्टल पर आपको अप्लाई नहीं करना है। जो यूनिवर्सिटी ने जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा करके अपने फॉर्म को भरना है। आपको बता दूं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CCSU AIMSERP.co.in/web/portal और फिर स्लैश है एग्ज़ाम। आपको इस पर चले जाना है। जैसे ही आप इस पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैक पेपर के लिए। बैक पेपर पे आपको क्लिक करना है और उस प्रकार से आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट आपको करना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए और किस कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, प्राइवेट के लिए या फिर रेगुलर के लिए। अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो प्राइवेट पर आपको क्लिक करना होगा, रेगुलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रेगुलर पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं रेगुलर BLLB के लिए आपको एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो रेगुलर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा, 2022 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर आपको एंटर करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपको ये यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट रोल नंबर डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट करने पर आपको इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना जो है एक फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको 12th का यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है वो डालना होगा। सेमेस्टर आपने जो आपका सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है वो उसके आपको मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इसको टिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा दिया गया कैप्चा पर फिल करके आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। इसमें ऊपर स्टूडेंट्स का नाम हिंदी में आपको लिखना ज़रूरी होगा, वो मैंने हाइड कर दिया है। और ऊपर जो है अपना कैटेगरी और उसके बाद फादर और मदर का नेम हिंदी में और अपना एड्रेस वो आपको जो है ऊपर फिल कर लेना है। देख सकते हैं आप ये पूरा फॉर्म है जो मैंने हाइड कर दिया है। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए मांगेगा तो पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे थे कि आप जो है पुरानी ऑफिशियल वेबसाइट पर CCSU web.com पर जो है अपने फॉर्म को भर रहे थे, जबकि आपको यहाँ पर CCSU AIMSERP.in पर आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में कोई परेशानी या कठिनाई आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा आदि पर फॉलो कर लें, वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो लाइक करें, सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलेगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।